बहुत दिन हो गया था वीडियो बना के। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ठीक हो और सेफ हो, ठीक है। ये जो हैमर टपारिया का, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। और इसका जो क्वालिटी है अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। और ये क्या रेट है, कितना पैसा और क्वालिटी कैसा है, पूरा चेक करेंगे, ठीक है। और मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहा था बोले तो, मैं 2-3 महीने से एक काम में बिज़ी हो गया था। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ जो काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है, ठीक है। उसके बारे में बात करता हूँ। और उससे पहले मैं ये जो हैमर है इसका क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं जो मेन है, ठीक है। तो चलो अभी, तो ये ऐसे रहेगा जब आप ख़रीदेंगे कवर होके, ठीक है। तो एक रबर डाल के, और ये रहा तुम्हारा हैमर। तो ये ऐसे रहता है, ग्रिप ज़बरदस्त है। ये जो पोर्शन है इधर थोड़ा सा गर्म बना के, और इसका जो ग्रिप है ज़बरदस्त। और ये जो लकड़ी है, लकड़ी भी लाइट वेट हिसाब से, जो लकड़ी का नाम मालूम नहीं लेकिन लाइट वेट है, लेकिन हैमर जो है कि बहुत वज़न है। कितना वज़न है, 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है, 1 किलो 250 ग्राम। और जो फिनिशिंग दिए हैं ये ड्रॉप फोर्ज्ड इधर ही लिखा है, ड्रॉप फोर्ज। और इसका जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है, जितना पैसा दे रहे हैं पूरा पैसा वसूल है, ठीक है। तो समझ लो 1.25 केजी का मार कैसा रहता है, स्टेम खोलने के लिए, या ये फुटरेस्ट बेंड हो जाते हैं ऐसे ऐसे मारने के लिए। दिखने में तो छोटा है लेकिन इसका जो वज़न है ज़बरदस्त है। और ऊपर इधर फिलअप हो गया है, इधर गैप नहीं है, दूसरा जो देसी हैमर की तरह ऐसा नहीं है, ये ऊपर फिलअप हो गया है। इसका जो फ़ायदा है, ये जो लकड़ी है ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है, देख लो ऐसा रहेगा। सिर्फ 530 रुपये इसका रेट है, 530। और इसके साथ में मैं ये स्क्रू ड्राइवर ख़रीदा था, मोस्टली ये खोलने के लिए नहीं, हाँ सिर्फ स्टेम का जो नट है खोलने के लिए ये ख़रीदा था, ठीक है। तो आज का वीडियो यही है, ये हैमर। मैं अगर से ऑनलाइन मिल रहा बोले तो आपको लिंक कर देता हूँ, उधर जाके ख़रीद लो। और ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये 180 रुपये का है, इस 50 रुपये डिस्काउंट करके ये दिए, और 530 रुपये में ये मिला। ये जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। कर रहे हैं बोले तो बहुत ज़बरदस्त बना के, बहुत अच्छा फील होएगा। ओके चलो, ये हो गया अनबॉक्सिंग, दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, वो जो काम है जो 2-3 महीने से मैं उधर बिजी हो गया था, जो काम है ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग। तो NSE और BSE जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। तो ये चूज़ करने का कारण बहुत सारा है। आप देख रहे हैं मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ, और मेरा जो काम है, जो यूट्यूब का काम है, जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो हमारी हालत है, आप सब लोग तो देख रहे हैं, ठीक है। और मैं तो एक 10-15 साल पीछे चला गया हूँ कंपेयर टू अदर्स, तो ऐसा फील हो रहा है। तो आगे बढ़ना बोले तो पैसा चाहिए, अच्छा खासा पैसा बनाना, इधर यूट्यूब में अच्छा खासा दिखाना है, अच्छा खासा व्लॉगिंग करना है, सब अच्छा अच्छा दिखाना है, ठीक है। तो ये यूट्यूब का चक्कर है, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं मैकेनिक का काम, जो मैकेनिक के काम में उसमें पैसा बचा के हमारा घर का खर्चा जो भी हम कर रहे हैं, तो उस तक तो ठीक है, लेकिन इधर जो चीज़ें चाहिए, इधर जो चीज़ें हमारे की ज़रूरत है यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने के लिए, वो सहूलत नहीं है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ,
ये जो ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है इसमें बहुत बहुत ही एक चांसेस है कि जो हमें उम्मीद कर रहे हैं, जो हमें पहुंचना है उधर तक पहुंचने का एक एक छोटा सा ज़रिया है। ठीक है, तो मेरे को इसमें 100% उम्मीद तो नहीं है, भरोसा नहीं है, लेकिन उम्मीद है। भरोसा हर चीज़ में नहीं होता, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग है हमारा जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट शेयर्स, इसमें थोड़ा मैं बहुत क्लासेस लिया हूँ, ये क्या जानकारी, तो इसके पीछे मैं थोड़ा 2-3 महीने से पीछे लग गया था कि क्या चीज़ है, हमारे को मालूम होना था। अभी ऑलमोस्ट 60-70% मैं आ गया हूँ, ये क्या चीज़ है जान लिया हूँ। NSE में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, NSE, BSE, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हमारे इंडिया के जो भी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज, यहाँ तक कि बैंक से लेके फार्मेसी से लेके फार्मा से लेके जो भी कंपनीज हैं, ब्रिटानिया, वो सब है इसमें। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है कि लंबा छोड़ने का 3%, 4%, 5% ऐसा, 1-2 महीने में कमाने का। ठीक है, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी बहुत सारा रिस्क है, इसके इसमें पैसा चला जाएगा। और स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में तो बहुत ही रिस्क है, नुकसान तो होएगा ही, जैसे नुकसान होगा वैसा प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी के अंदर और एक ऑप्शन है, ठीक है, F&O, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, जो हमारा NSE और BSE के बीच में जो ये जो ऑप्शन है, ये तुम्हें गूगल कर लो F&O, उसके बारे में आपको नॉलेज भी, तो आपको मालूम हो गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपको तो मालूम हो गया। ठीक है, तो इसका जो छोटा सा वीडियो इधर मैं प्ले करता हूँ। तकरीबन मेरा इन्वेस्टमेंट था कि 15,000-20,000, और ये माइनस में जा रहा था, बाद में ये प्लस में आया, तो देख लो एक ही एक लाट 2 लाट 3 लाट ऐसा छोटा छोटा ख़रीदा था मैंने, और तकरीबन आपको 10-15% पैसा हमारे को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो ये जो चल रहा है देख लो, यही है प्रूफ। और मैं सभी रजिस्टर बोले तो मैं किसी को मैं एडवाइज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें पैसा भरो पैसा कमाइए ऐसा नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिस्क है। और मैं ये बोलने का कारण ये है कि हम 2-3 महीने नहीं थे, और ये क्लासेस के भी चक्कर में और ये F&O ट्रेडिंग के बारे में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। ठीक है, तो हर एक वीडियो में हमारा प्रॉफिट और नुकसान इसमें दिखाएंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो कमेंट करो नीचे, आपको चाहिए तो भी नहीं चाहिए तो भी हमें इसके बारे में वीडियो बनाना जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था, ये हैमर, और ये अनाउंसमेंट था कि हम ट्रेडिंग सेशन पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं, और यही चैनल पे थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करेंगे, अच्छा खासा पैसे बनाएंगे, और हमारा जो टारगेट है उधर तक पहुँचना बोले तो पैसे चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा अमाउंट लिया था, ट्रेड किया था और प्रॉफिट भी बुक किया था, और वही पैसा मेरे को रिटर्न करना था, रिटर्न कर दिया। अभी हमारे को इसमें ट्रेड करना बोले तो एक अमाउंट चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट डेली 10% या 15% जो अमाउंट डाल रहे हैं, उसका जो 10-15% आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी के पीछे हूँ, वो अमाउंट के पीछे हूँ, बहुत सेविंग्स के ऊपर ध्यान जा रहा है, तो इसलिए मेरे को टोटली वीडियोस बना नहीं पा रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो चलो ये लंबा हो गया वीडियो, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हूँ क्या है। ये हमारा एक जो अमाउंट है, यानी कि 30,000-40,000 पैसा इसमें चाहिए पड़ेगा, और इसका जो प्रॉफिट है डेली 5-10-15% 5%, 10%, 15%, और ये जो सेफ जोन है। ठीक है, पैसा नुकसान नहीं होएगा, ऑब्वियसली हम ट्रेड लेंगे तो नुकसान में जाके बाद में रिकवरी होता है। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं ये जो वीडियो है, बस यही बोलना था, नेक्स्ट वीडियोस हमें
ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।